हेलो फ्रेंड्स, मैं पुनः आपको एक नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। कृपया आप इसे ध्यान से सुने और समझ में आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए कितना उपयोगी है। अगर हम प्रोफेशन हैं, प्रोफेशन में मतलब मेरे कहने का डॉक्टर हैं, प्रोफेशनली काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए आपकी प्रैक्टिस में डेफिनेटली 4 चांद लगा देगा। बिकॉज ये प्रोडक्ट उन पेशेंट्स के लिए बहुत ही कारगर है जिनको मैं दिखाना चाहूंगा इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं। इनके जोड़ों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द जिसे हम गठिया भी कहते हैं और थेराइटिस भी कहते हैं। वो कहते हैं कि बहुत इलाज कराया लेकिन आराम नहीं मिल रहा है, उन लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा कारगर रहेगा। तो इस प्रोडक्ट के बारे में भी हमें देखना है। दूसरा, ये इसका दूसरा प्रोडक्ट यही इमेज है इसकी के हिप जॉइंट्स में यानी कूल्हे पे दर्द होने लगता है उसके लिए, और कलाई में दर्द होना, हाथ की कलाई में दर्द होने लगता है, जॉइंट्स पे कमर में दर्द होना, कंधे में दर्द होना, एक शोल्डर पेन होता है, घुटने में दर्द होना, इसका मतलब जॉइंट्स पेन में इसका बहुत अच्छा काम है। अब नाम इस प्रोडक्ट का एफलेर इंडिया का बना हुआ ये प्रोडक्ट है। एफलेर इंडिया ने ये मार्केट में लॉन्च कर रखा है, बनाया बना हुआ ये हैदराबाद का है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इसकी हैदराबाद से है। तो हम जान लेते हैं कि इसमें ऐसे कौन कौन से इंग्रेडिएंट मिक्स हैं जो हमारे लिए इतने कारगर हैं। कि एलोपैथिक मेडिसिन में तो मैक्सिमम यही रहता है कि खाई और काम किया, लेकिन इसको कुछ समय तक कंटिन्यूस यूज करने के बाद में ये हमारे जो दर्द की प्रॉब्लम है उसे कम्प्लीटली रिमूव कर दे। चलिए देखते हैं कौन कौन से इसमें इंग्रेडिएंट्स मिक्स हैं, कौन कौन सी दवाइयां इसमें हैं। तो पहली बात तो यही थी कि प्रोडक्ट दिस वन ऑर्थो केयर, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हमने एक पहली वीडियो में बात की थी एमडीपी क्योर की, आज हम बात कर रहे हैं ऑर्थो केयर की। कैप्सूल ऑर्थो केयर 60 कैप्सूलों की ये डिब्बी है, 60 कैप्सूल्स इन ए बॉक्स। चलिए देखते हैं फिर इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट मिक्स हैं। तो पहला इंग्रेडिएंट इसमें सुरंजन सरीन है। सुरंजन सरीन इसका कॉमन नेम, बहुत नाम है इसके, नेकेड लेडी, वंडर बल्ब, सेफ्रॉन, इसके अलग अलग नाम है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके यूजेस की, थेरेपेटिक यूजेस जो है, ये एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक डिसॉल्वेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी सूजन को कम करने वाली है, एंटी रोमेटिक जोड़ों के दर्द को दूर करने वाली है, अस्ट्रिंजेंट कैथेनिक एंटी फेनिगेमेटिक, तो हमारे जोड़ों के दर्द से संबंधित इसमें वो सारे गुण हैं जो हमें चाहिए। सेकंड, इसका दूसरा इंग्रेडिएंट जो हमने यूज किया है इसमें वो है कैरम कार्वी, जिसको जनरल नेम की अगर मैं बात करूं तो इसका इसे एक अलग नाम से भी जाना जाता है, जिसे कहते हैं जीरा सियाह, स्याह जीरे के नाम से भी हम इसे जानते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। और डिस्क्रिप्शन में तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे काम की जो चीज है वो ये है कि इसके नाम के विषय में तो बहुत नाम है इसके। तो इसका जो यूज है वो ये है, इट इज अ एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी एज इट इंक्रीजेज द सिक्रेशन ऑफ द हिस्टामिन। तो जब ये इस तरह का काम करती है तो हमारी बॉडी से जो यूरिक एसिड वगैरह ज्यादा बढ़े उसे भी रिड्यूस कर देती है। स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन में जिंजिवाइटिस, स्वेलिंग, रेडनेस ऑफ गम्स, ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक स्टेज ऑफ द फीवर, फीवर में भी ये काम आती है, गांठों में दर्द होने की वजह से जो फीवर हो जाता है उसमें भी काम आती है, एब्डोमेन पेन, हेमराइड्स में भी काम आती है। तो हमें जो जनरली ये यूज किया है वो किया है इन्फ्लेमेशन के पर्पज से, कि सूजन को ये कम कर। इसके बाद तीसरा प्रोडक्ट इसी की हम बात करें, अगला प्रोडक्ट है हमारा टर्बुड सफेद, टर्बुड सफेद या फिर इसके बहुत से नाम है, और यहाँ पर एक आई थिंक निशोट भी इसे कहते हैं, टर्बुड सफेद भी उर्दू में नाम है इसका, टर्बुड सफेद, इसको सफेद मूसली के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो वो ठीक है, लेकिन यूज जो है वो आर्थराइटिस में बहुत अच्छा यूज है। आर्थराइटिस में यूज होने का मतलब है कि ये गांठों के दर्द में बहुत अच्छा काम करती है। अगर यहाँ हम देखें तो गांठों के दर्द का जो कारण होता है वो घुटनों में, ये घुटने की पिक्चर है, एक्सरे है घुटने का, तो यहाँ पर घुटने के बीच में जो ज्वाइंट में जगह होती है वो कम हो जाती है, वो घिसने लगते हैं और दर्द होने लगता है। तो इस तरह से ये बहुत ही कारगर है, ये भी इसमें मिक्स किया गया है। दूसरा असगंध, असगंध के विषय में बहुत कुछ मुझे नहीं कहना क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है और बहुत ही काम की चीज है। तो असगंध का और तो कुछ नहीं, मुझे हृदय रोग में तो ये अर्जुन की छाल के चूर्ण के साथ, असगंध के चूर्ण को मिलाकर गर्म पानी के साथ, दूध के साथ एक एक चम्मच लेने से हृदय को बल मिलता है। लेकिन गठिया के केस में अगर हम मैं बात करूं, गठिया, कमर दर्द या जोड़ों के दर्द में, तो असगंध के पंचांग, जड़, पत्ती, तना, फूल और फल को कूट छान कर उसका काढ़ा बनाकर लेने से लाभ होता है। असगंध पंचांग चूर्ण 30 ग्राम या 300 मिलीलीटर पानी में उबालें, असगंध को ताजे 30 ग्राम पत्तों का काढ़ा बनाकर
गठिया के दर्द में राहत मिलती है। तो कमर दर्द में अश्वगंधा 3 ग्राम चूर्ण, सौंठ चूर्ण, सफेद मूछली चूर्ण सुबह शाम गर्म पानी से लेने पर कमर घुटने कंधों के दर्द में बहुत ही लाभदायक होती है। इसी तरह से मैं अगली बात करता हूँ, दैट इज द गुग्गल। लेकिन इस गुग्गल का जो नाम है वो कई नामों से जाना जाता है। ये तो यहाँ पे ये भी ये इसके दूसरे नाम है, गुग्गल के ही दूसरे नाम है, जिनको इंडियन में बिडेलियम, इंडियन बिडेलियम ट्री, कोशिका मुकुल मायर्स ट्री भी कहते हैं, योगराज गुग्गल भी कहा जाता है इसे। तो इस तरह से ये बहुत से इसके अगर बात करूं मैं यूजेस की, तो ये वेट लॉस में भी काम आता है, हाई कोलेस्ट्रॉल को, और सबसे बड़ी चीज है ये ऑस्टियो आर्थराइटिस में काम आता है, रूमेटो आर्थराइटिस में काम आता है, ये जोड़ों के दर्द की, ऑस्टियो आर्थराइटिस और रूमो आर्थराइटिस, ये दोनों ही हमें परेशान करने वाली बीमारियां जोड़ों के दर्द के लिए, तो ये भी इसमें मिक्स है। इधर जायफल भी मिक्स है, जायफल के बारे में तो विशेषकर इंडियंस हैं हम सभी और बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जायफल बहुत ही काम का होता है, जो हमारे रसोई में भी प्रयोग कराया है। नेक्स्ट है सौंठ, तो इसको हम जिंजीवर कहते हैं, नाम इसका यहाँ पर जंजीबिल या जिंजीवर ऑफेंसिएट, ऑफेंसिल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सौंठ है, इसको आप भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जो कि बहुत अच्छा काम करती है दर्द में, सर्दी में, सूजन में। और नेक्स्ट रह गया आपका नाइगेला स्टेविया, और इसको कालाजीरी के नाम से या कलौंजी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका यूज भी बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा काम करती है ये हमारे परेशानियों में जो कि जॉइंट से संबंधित होते हैं। इस तरह से ये सारे ही इंग्रेडिएंट इस प्रोडक्ट में मिक्स कर रखे हैं, जो कि बहुत ज्यादा घुटनों के जोड़ या कमर दर्द, बदन दर्द, मसल पेन सब में ही बहुत अच्छा काम करता है। तो बाकी का जो भी है इसके संबंध में, वो जो भी वर्कमैन आपके पास पहुंचेंगे वो बताएंगे, बट यहाँ पर इतना ही पर्याप्त है। आप मेरे साथ हैं इतने समय के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।